अब हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू संस्कृति के हिसाब से, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, पूजा में भी उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम जानते हैं दूर्वा। दूर्वा यानी दूब घास, दूब घास के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए, धरती में जब हरियाली दिखाई देती है, मन के अंदर प्रसन्नता छा जाती है। हरी भरी भूमि और हरी घास वास्तव में प्राणी मात्र के आह्लाद का, प्रसन्नता का सबसे मुख्य साधन है। तो आइए हम इन घास का प्रयोग को जानें, जिनको वायरल फीवर वगैरह होता है या मलेरिया ज्वर वगैरह होता है, उसमें भी जब पानी की कमी होती है, जब आदमी को बहुत बेचैनी और परेशानी होती है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये दूब घास आप लोन में से उखाड़िए और इसको पीसिए, पीस करके उसका रस निकालिए, रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला करके दो दो चम्मच पिलाएं, तो उससे आप देखेंगे तो मलेरिया या वायरल फीवर के अंदर जो होने वाला प्यास है वो खत्म हो जाएगी। इससे जो शारीरिक क्षीणता वो भी दूर हो जाएगी, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है, इसका आप प्रयोग करें तो यह एक एक जड़ी हमारे लिए जीवनदायी है। एक दवाई के द्वारा हम सैकड़ों प्रकार के रोग दूर कर सकते हैं, और इससे निश्चित रूप से यदि हमने आज इन औषधीय गुणों को, इन दवाइयों के दिव्य प्रयोगों को भुला दिया है, इसलिए बहुत सारे रोगों से हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसके लिए बहुत सारे दुष्प्रभावकारी और महंगी महंगी दवाइयां हम लोग खाते हैं, उससे बीमारियां तो दूर होती नहीं है, अलग से कोई ना कोई नई बीमारी हम पाल लेते हैं। तो आइए अब फिर हम इन दिव्य औषधियों को पहचाने, इनको गुणों को जाने और अपने जीवन को निरोग बनाने में इनका हम प्रयोग करें।